राज्य सरकार की ओर से बुधवार देर शाम को जारी की गई आरएस की तबादला सूची में ब्यावर नगर परिषद के आयुक्त रणजीत सिंह गोदारा का स्थानांतरण कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से जारी सूची में गोदारा को महिला एवं बाल विकास विभाग भरतपुर के रिक्त पड़े उप निदेशक पद की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि सूची में ब्यावर नगर परिषद में आयुक्त पद पर किसी को भी नहीं लगाया है, इस लिहाज से अब ब्यावर नगर परिषद में आयुक्त का पद रिक्त हो गया है। मालूम हो कि बुधवार शाम को शहर के दशहरा मैदान पर आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में आमजन को संबोधित करते हुए आयुक्त गोदारा ने कहा था कि हम रहे या ना रहे, लेकिन आज जिस भव्यता से दशहरा मेला का आयोजन किया गया है, इस परंपरा को आगे भी निभाते रहना। बता दें कि नगर परिषद में विगत लंबे समय से रिक्त पड़े आयुक्त पद पर राज्य सरकार ने किसी आरएस को लगाया था। ज्वाइन करने के समय से ही गोदारा अपनी कार्यशैली को लेकर जनप्रतिनिधियों के बीच विवादित है। कार्यभार ग्रहण करने के दौरान चल रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविरों में उनका अधिकांश समय अनुपस्थित रहना भी चर्चा का विषय रहा था। अल्प कार्यकाल के दौरान गोदारा को बिना बताए अनुपस्थित रहने पर जिला कलेक्टर द्वारा भी उन्हें नोटिस दिया गया था। तेजा मेला के दौरान झूले लगाने के मामले में भी आयुक्त गोदारा तथा पार्षदों के बीच मतभेद शहर में खासा चर्चा का विषय रहा। हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरो का हार, कृष्णा ज्वेल्स का लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन त्योहारों में करे आपका सच्चा श्रृंगार। 3 से 5 अक्टूबर तक ग्रैंड एग्जीबिशन एंड ज्वेलरी पर स्पेशल ऑफर्स एंड अशॉर्ट गिफ्ट्स के लिए विजिट कृष्णा ज्वेल्स, होटल राजमहल प्रीमाइसेस ब्यावर, TNC अप्लाई। हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरो का हार, कृष्णा ज्वेल्स का लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन त्योहारों में करे आपका सच्चा श्रृंगार। 3 से 5 अक्टूबर तक ग्रैंड एग्जीबिशन एंड ज्वेलरी पर स्पेशल ऑफर्स एंड अशॉर्ट गिफ्ट्स के लिए विजिट कृष्णा ज्वेल्स, होटल राजमहल प्रीमाइसेस ब्यावर, TNC अप्लाई।